पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 16 अब करेंगे, जिसमें लिखा है फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो रिलेटिंग टू पटना ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2013, प्रिपेयर पटना ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कह रहा है पटना ब्रांच का अकाउंट और खाली ब्रांच का डेटर अकाउंट ही बना के दिखा दो। खास बात है मैंने खाली डेटर नहीं बल्कि मैंने स्टॉक अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट सारे ही बनाने हैं, जिससे कि सारी चीज़ों की वर्किंग आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये भी आगे लिखा हुआ है शो योर वर्किंग क्लियरली और गुड्स आर इनवाइज टू गिव प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सामान जो हम भेज रहे हैं ब्रांच को वो सेल प्राइस का 20% प्रॉफिट रख के भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो लोडिंग सिस्टम समझ लेते हैं कि ब्रांच का लोडिंग सिस्टम क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि एक होती है कॉस्ट, एक उसमें हम लोडिंग को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है इनवाइज प्राइस, और यहाँ पे 20% जो है वो प्रॉफिट या लोडिंग हम कमाना चाहते हैं। तो 20% तो लोडिंग के आगे लिखेंगे, जो किसके ऊपर बेस बनाया गया है, या तो कॉस्ट पे बनाया गया होगा या तो सेल्स पे। ये सेलिंग प्राइस पे बनाया गया मतलब आईपी के ऊपर बनाया गया, इसको 100% मान लेंगे। और ऐसे में यहाँ पर कॉस्ट के लिए जो फिगर बच जाती है वो कितनी बच जाती है, 80%। अब इस लोडिंग के दो रिलेशनशिप बन सकते हैं, एक कॉस्ट वाली साइड से और एक बन सकता है इनवाइस प्राइस वाली साइड से। अगर कॉस्ट वाली साइड से रिलेशनशिप बनाओगे तो 20 और 80 का बनेगा, जो कि मैथमेटिकली 1/4 होता है, और इनवाइस प्राइस वाली साइड से बनाओगे तो 20 और 100 का बनेगा, जो कि एक्चुअल में 1/5 होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन के अंदर हमें इनवाइस प्राइस वाला रिलेशनशिप ही यूज करने की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉस्ट वाले रिलेशनशिप की जरूरत तब पड़ती है जब वो फिगर एट कॉस्ट दे और कुछ भी नहीं लिखा हो अगर क्वेश्चन में कि जो स्टॉक है वो इनवाइस प्राइस पे है या कॉस्ट पे, तो क्या मान के चलते हैं अपनी तरफ से कि वो हमेशा इनवाइस प्राइस पे है, हम अपनी तरफ से उसे कभी कॉस्ट अज्यूम नहीं करते। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन के अंदर हमें कई ओपनिंग बैलेंसेज बताए जा रहे हैं। हमने सीख लिया ऑलरेडी कि सबसे पहले जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो बैलेंस बीडी होते हैं, जितनी भी असेट्स ब्रांच के पास है उन सबके नाम लिखे जाते हैं। और यहाँ पे ब्रांच के पास इस समय 5 असेट हैं जिनके नाम गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहले स्टॉक है जिसकी वैल्यू बताई गई है 15,000, और स्टॉक के ऊपर मैं लगा देता हूँ स्टार मार्क क्योंकि इसके अंदर लोडिंग प्राइस ऐड होगा। कुछ लिखा नहीं है कि इनवाइस प्राइस है, लेकिन हम मान के चलेंगे जहाँ पे भी गुड्स या स्टॉक है वो इनवाइस प्राइस है, और इसमें 1/5 लोडिंग ऐड होगी होगी जिसे हम थोड़ी देर में रिवर्स कर देंगे। उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स का अमाउंट है 6,000। डेटर्स के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर का अकाउंट हम नहीं बना रहे लेकिन फिर भी इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, डेप्शन लगता है और हम बिना अकाउंट बनाए सिर्फ डेप्शन लेस कर दे तो न्यू बैलेंस मिल जाएगा। फिर पैटी कैश है हमारे पास जिसका बैलेंस है ₹600। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट असेट्स की कैटेगरी में आता है इसलिए उसे भी यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो वैल्यू है वो है ₹150। और एक नाम और गिना दिया गया है ओपनिंग बैलेंसेज में, सैलरी ड्यू है। ये तो लायबिलिटी है, असेट को अगर डेबिट साइड में जगह दी गई है तो कोई लायबिलिटी अगर आ जाएगी तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी अगेन, जिसमें अब दो नाम लिखेंगे। एक तो उन्होंने गिनाई दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी है जिसकी वैल्यू है ₹3,000। एक ये जो स्टॉक आपने स्टार मार्क लगाया वो अगर आपने लायबिलिटी का नाम लिख के बैलेंस बीडी लिख दिया तो स्टॉक रिजर्व को भी इसी में डाल देंगे जो कि लोडिंग है, और कैसे निकाली जाएगी 1/5 कर दो 15,000 का, तो फिगर कितनी हो जाएगी 3,000। तो यहाँ का टोटल फिलहाल हो गया है 6,000, और डेबिट साइड का टोटल करें तो पहले 15,000 है, फिर 9,000 की अगली दो एंट्री है, 24,000, 24,750 अभी तक का टोटल हो गया। क्लियर है, बस में आ गई है। साथ ही साथ जो अकाउंट बनने मेमोरेंडम अकाउंट है, रफ अकाउंट है, बट उनका लुक और उसमें एडजस्टमेंट बिल्कुल फेयर जैसे होती है वैसे ही की जाएंगी। तीन अकाउंट हमने बना लिए, तीनों ही असेट है और असेट के बैलेंस डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तीनों अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस भर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक का बैलेंस आ गया जो कि है 15,000, जो इनवाइस प्राइस पे ही बनाया जाता है स्टॉक अकाउंट अगर पता हो तो। डेटर्स का बैलेंस है हमारे पास 6,000, और उसके बाद फिर हमारे को फर्नीचर का अकाउंट नहीं बना रहे हैं, पैटी कैश का बैलेंस है 600। ठीक है जी, ज़रूरत पड़ने पर अदर अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं लेकिन फर्नीचर है, मशीन है, ये बेचने या खरीदे तो जाते नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर हम अकाउंट बनाए बिना ही उनका बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए आगे, अब इसके बाद न्यू डील शुरू हो गए हैं। गुड सेंड टू ब्रांच 1,20,000, हेड ऑफिस ने जो कुछ भी ब्रांच को दिया उससे ब्रांच रिसीवर बन जाएगी, और वो दो ही चीज़ें देता है, एक तो गुड्स देता है और दूसरा पैसा देता है, और दोनों को ही वो डेबिट करता है जब वो देता है। तो फिलहाल यहाँ पे लिखने वाले हैं गुड सेंड टू ब्रांच,
और कितने का सामान भेजा जा रहा है, 1,20,000। और मैं इस पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि गुड्स अगर है तो ये इनवाइस प्राइस पे है ऐसा माना जाएगा। और जैसे ही आपने गुड्स को सेंड किया वैसे ही इसके अंदर जितना भी ओवर स्टेटेड प्राइस है उसको हम कैंसिल कर देंगे। दूसरी साइड में लिखेंगे क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिख देंगे किस चीज़ के लिए एंट्री किया है, ये लोडिंग के लिए हमने एंट्री कर दिया, और ये 1/5 से निकाली जाएगी। तो 1,20,000 का पांचवा हिस्सा लोडिंग होगी जो कैलकुलेशन करने पर 24,000 की एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा, साथ ही मेमोरेंडम अकाउंट में भी साथ साथ एंट्री कर देते हैं। जैसे ही हमने गुड्स भेजा होगा ब्रांच का स्टॉक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, और जितनी भी एसेट होती है डेबिट होने से वो इंक्रीज होती है और क्रेडिट होने से डिक्रीज। तो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं हम करीब करीब, गुड्स सेंड टू ब्रांच ₹1,20,000। कॉपी पेस्ट भी अलाउड है, क्यों, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो जो हो रहा है वही तो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। चलिए अगला काम, इसमें दो किस्म के नुकसान हो गए, नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस हुआ। लॉस चाहे किसी भी वजह से हुआ, अगर स्टॉक का नुकसान हुआ है तो स्टॉक का बैलेंस ब्रांच पे कम हो जाएगा, और इसका हेड ऑफिस से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है। ब्रांच वाले कहेंगे हमारा स्टॉक कम हो गया, वजह चाहे कोई भी है, आप स्टॉक को कम करने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, और उसके बाद लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस है वो 2,000 है और जो एबनॉर्मल लॉस है वो 3,000, क्लियर है। आगे इसमें है कैश सेल्स, कैश सेल्स भी होगी तो ब्रांच का पहले स्टॉक कम हो गई होगा, ब्रांच का स्टॉक कम हो गया तो कम करने के लिए क्रेडिट से हमें लिखेंगे बाय कैश, और रीज़न लिख रहे हैं कि ये सेल्स हो गया इसलिए स्टॉक कम किया हमने 1,65,000। खास बात है ये जो स्टॉक कम हो गया वो नगद जेब सामान बेचने से कम हुआ, और अगर पैसा ब्रांच पे इकट्ठा हो गया तो हमें आइडिया है वो पैसा बाद में किसके पास पहुंच जाएगा, हेड ऑफिस के पास। तो जब ये सेल हो जाएगी उस समय तो कुछ नहीं होगा, वहीं पर एंट्री होगी, लेकिन बाद में ये पैसा हेड ऑफिस को जब रिसीव होगा तो उसे रेमिटेंस मानेगा, और ब्रांच से जब भी उसे पैसा मिलेगा तो ब्रांच को वो गिवर की जगह गिवर की तरह ट्रीट करेगा, और यहां पे लिखेगा बाय बैंक ब्रैकेट में रेमिटेंस। इसमें दो फिगर आएंगी, एक तो होगी कैश सेल्स और दूसरी होगी कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स। अभी फिलहाल कैश सेल्स का अमाउंट हमारे पास आ गया, हमने तैयारी शुरू कर दी, अभी ये पैसा तो हेड ऑफिस तक पहुंचा ही होगा। इस अकाउंट में सिर्फ तभी एंट्री होगी जब हेड ऑफिस कुछ लेगा या कुछ देगा, और ये पैसा हेड ऑफिस ले लेगा। चलिए आगे इसमें बता दिया गया टोटल सेल, टोटल सेल के पता लगने से डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्रेडिट सेल का पता चल जाता है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 1,65,000 की नगद सेल हो चुकी है, तो बाकी 2,10,000 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 45,000 की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी क्रेडिट सेल होगी जिसे लिखेंगे ब्रांच डेटर्स। ये क्रेडिट सेल्स है, स्टॉक कम ही होगा, नगद बेचो चाहे उधार, लेकिन अगर क्रेडिट सेल हुई तो डेटर का बैलेंस भी बढ़ेगा, जिसे यहां पे लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट सेल्स, और वो 45,000 फिगर ऊपर से हमने नीचे पोस्ट कर दिया। हेड ऑफिस इसकी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि हेड ऑफिस का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो एंट्री तब करेगा जब यहां से कलेक्शन हो जाएगी। आगे अगर इसमें देखें तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, डेटर से अगर कैश रिसीव किया गया तो डेटर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ाने के लिए हमने डेबिट किया था, घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कलेक्शन, और कलेक्शन जो है वो 48,000 की हो गई है। खास बात है वहां पर अगर पैसा इकट्ठा हो गया तो ये पैसा बाद में किसके पास पहुंच जाएगा, हेड ऑफिस के पास भी पहुंच जाएगा, तो ये 48,000 हम यहां पर भी लिख सकते हैं। तो 1,65,000 प्लस 48,000 ऐड करने से 2,13,000 रुपए की रेमिटेंस हेड ऑफिस को ब्रांच से टोटल कलेक्ट होगी। अगली एंट्री है इसके अंदर है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। भाई ब्रांच के पास कुछ सामान ऐसा था जो शायद खराब था या बिक नहीं रहा था, वो वापस किसको भेज दिया गया, हेड ऑफिस को। इस समय ध्यान से समझ लेना, हेड ऑफिस रिसीवर बन जाएगा, और जब वो रिसीवर बन जाएगा तो हम तो ब्रांच के अकाउंट में एंट्री करेंगे, वो गिवर होगा, गिवर के अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड में एंट्री की जाती है। यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिखेंगे रीजन, क्या है रीजन, रिटर्न। हम नए अकाउंट नहीं बनाते, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच था उसी को रिवर्स कर देते हैं, इसलिए नाम आपका सेम रहता है, और फिगर हमारे पास है ₹1,500। इस पर लगा देता हूँ स्टार मार्क क्योंकि जितनी बार भी गुड्स आते हैं उसकी लोडिंग एंट्री भी कैंसिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है उसकी लोडिंग एंट्री यहाँ पर लिखी जाएगी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख रहे हैं लोडिंग ऑफ रिटर्न, और ये 1/5 करके निकाली जाएगी जो कि कितनी हो जाएगी ₹300, ठीक है, बस इनमें आ गई है। अच्छा, खास बात ये है फौरन हमें स्टॉक अकाउंट को भी अपडेट करना पड़ेगा, हमारा स्टॉक थोड़ा सा कम हो गया, बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय गुड सेंड टू ब्रांच, और रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में क्या हुआ है, भाई ये रिटर्न हो गया है और इसकी वैल्यू है ₹1,500।
अगली एंट्री इसके अंदर 600 रुपए की, जिसमें लिखा है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच। भाई हमारे ग्राहक थे, उनको भी कुछ सामान पसंद नहीं आया, उन्होंने भी लौटा दिया। अब अगर वो सामान लौटा दे तो वो हेड ऑफिस के पास नहीं जाएगा, वो ब्रांच के पास जाएगा। ब्रांच का स्टॉक बढ़ने वाला है, कहाँ से बढ़ने वाला है, ब्रांच डेटर्स ने सामान लौटाया उस वजह से, जिसे बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न हो गया, जो कि 600 रुपए का। और डेटर का बैलेंस कम कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे जी ये सेल्स रिटर्न हो गई थी इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया ₹600। आगे इसके बाद लिखा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया और हेड ऑफिस अगर ब्रांच को पैसा देता है तो ब्रांच रिसीवर हो जाएगी, और रिसीवर हो जाएगी तो डेबिट से हमें लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में कैश सेंड, किस किस काम के लिए पैसे भेजे। नंबर रेंट, वजह चाहे कोई भी हो, अगर हेड ऑफिस ने पैसा दिया है तो वो डेबिट करेगा ब्रांच को जरूर। फिर पेटी कैश जो कि 600 है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस के अंदर भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हमने जून तक की पेमेंट कर दिया, ये हमारे लिए एक वर्किंग एक्स्ट्रा कराएगी। और उसके बाद सैलरीज, सैलरी के लिए हमने भेजे 10,200, किसी भी वजह से पैसे दिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए तो ब्रांच रिसीवर बन जाएगी 14,800। इसमें से ये जो इंश्योरेंस है उसके अंदर हमें प्रीपेड हो गया, वो डेट से पता चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मार्च में हमारा ईयर एंड हो जाता है, जबकि ये पेमेंट कब तक के लिए कर दी गई है, जून तक के लिए। तो बताओ कितने महीने की फालतू पेमेंट हो गई, इसमें हुई है फालतू पेमेंट, ये जो पेमेंट है उसमें कुछ पैसा फालतू चला गया, ठीक है ना। तो कितना पैसा फालतू चला गया है भाई, मार्च में ईयर एंड होना था, ये अप्रैल मई और जून तीन महीने की पेमेंट फालतू हो गई। तो इसका मतलब इसमें 3 मंथ्स प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसकी वर्किंग हमें अब करनी पड़ेगी। कैसे होगी वर्किंग, अरे आपने 400 रुपए दिए थे, मान के चलेंगे वो एक साल के लिए क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल बेसिस पे ही भरे जाते हैं, तो तीन महीने का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पता चल जाएगा जी 100 रुपए प्रीपेड है। ये हमने क्यों निकाला, जब क्लोजिंग बैलेंस पूछे जाएंगे असेट्स के तब हमें बताना पड़ेगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस भी है। देखो शुरुआत में था ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो साल खत्म होने पे भी प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है और फिगर चेंज भी हो सकती है। चलिए और उसके अलावा क्या लिखा है इसमें, उसके बाद इन्होंने पेटी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय ब्रांच, चलो पहले पेटी कैश का नया पैसा आया था इनके पास उसकी एंट्री कर दें, बाकी पैसा रेंट का तो रेंट वाले के पास चला जाएगा, इंश्योरेंस भी खर्च हो जाएगा, सैलरी भी, लेकिन पेटी कैश का अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, जो हेड ऑफिस से नया पैसा मिला, पेटी कैश बढ़ेगा 600 रुपये, खर्च भी हो गया वहाँ पे कुछ पैसा, कितना पैसा वहाँ पे खर्च हो गया, कह रहे 500 रुपये खर्च हो गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस, क्योंकि ब्रांच वाले खर्च कर रहे हैं, हेड ऑफिस इसकी एंट्री नहीं करेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा जो उसने पैसा भेजा होगा उसकी, 500 रुपये खर्च हो गए, कितने पैसे बचे फिर, बाय बैलेंस सीडी 700 रुपये बचे, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन को फाइनल कर रहे होंगे तो हमसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स पूछे जाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला इसके अंदर स्टॉक का, तो क्लोजिंग बैलेंस साफ साफ ही इन्होंने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल गया, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी जो कि है 3,000 रुपीज़। और ये अकाउंट अगर हम टैली करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आएगी, आंसर में जो हिंट गिवन है उससे साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा, और क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा तो यहाँ पे कुछ मिसिंग फिगर आने वाली है, 2000 है, फिर 3000 है, 1,65,000 है, 45,000 है और 4,500 आगे हो रहे हैं, 2,19,500 माइनस कर देते हैं उसमें से 15,000, माइनस करते हैं 1,20,600, तो बैलेंस बच रहा है 83,900 जो कि आपको आंसर में भी गिवन है। अब हमें बस ऐसे एक नाम देना है क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ने को बोलते हैं सरप्लस और घट जाए तो बोलते हैं शॉर्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, और हमने कैसे पता लगाया इसे, बैलेंसिंग फिगर से पता लगाया, खास बात है इस मेथड में वैसे सरप्लस की कोई आवश्यकता नहीं है बट अकाउंट बनाया तो कुछ तो पता चलेगा। डेटर्स के अकाउंट में ऑलरेडी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मिसिंग है और वो है क्लोजिंग बैलेंस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, डेबिट साइड में है 51,000, वही 51,000 यहाँ पे डाल देते हैं और 51,000 में से माइनस कर देते हैं 48,600, तो 2,400 रुपीज़ बच रहा है जिसे यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जब पूछे जाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आखिर में अगर देखें तो इसमें एक बार बताया गया कि सैलरी ड्यू चल रही है अब और वो बैलेंस कितना हो गया है, जीरो हो गया, तो ठीक है अब क्लोजिंग बैलेंस तो हमारे पास सैलरी का नहीं है, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाने के लिए बोल दिया गया 20%, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस और पता लगा लेते हैं, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन था फर्नीचर का 3,000,
अब डेप्रिसिएशन लग गया, वो भी कितने परसेंट? 15%। तो मतलब कितना, 450 रुपये लेस हो गया होगा, और 20% है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 20% लगा दें तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2400। सभी क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिए। फाइनली अब इस क्वेश्चन को क्लोज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कौन कौन से बैलेंस लिखे जाएंगे? जितने भी हमने एसेट के बैलेंस लिखे थे डेबिट साइड में, वो सारे नाम क्रेडिट साइड में आएंगे, जिसमें सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस होगा जो कि वहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है 3000, और उस पर लगा देता हूँ मैं स्टार मार्क क्योंकि इसकी लोडिंग एंट्री कैंसिल की जाएगी। दूसरा, इसके अंदर हमने नाम लिखा था डेटर्स का, उसका बैलेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया जो कि है 2400। तीसरा नाम फर्नीचर का था, फर्नीचर का भी न्यू बैलेंस हमने निकाल लिया, डेप्शन लग गया था और न्यू बैलेंस 2400 है। अगला नाम पेटी एक्सपेंस का, पेटी कैश का था, पेटी कैश का अकाउंट बनाया, वहाँ से निकले 700 रुपये, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, और प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट इसके अंदर हमारा कितना निकला था, यहाँ पे कैलकुलेशन की थी 100 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखने के लिए मैं तैयार था, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने 0 बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक एंट्री अभी भी आएगी। कौन सी आएगी? स्टॉक रिजर्व की एंट्री आएगी, जो कि लोडिंग होगी किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग होगी, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3000 का था, तो लोडिंग 1/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, बस में आ गई है? अच्छा, इसका टोटल कर लेते हैं, 3000 है और फिर 4800, दो एंट्री का टोटल है, और फिर 800 रुपये हो रहा है, ये आ रहा है 8600। फाइनली अब इसका अल्टीमेट टोटल करने का टाइम है। क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ मैं, 1500 रुपये भी है वहाँ पे, फिर 213000 की एंट्री है, और उसके अलावा इसके अंदर 24 और 6 30000 की एंट्री हो रहे हैं, ये बन रहा है 253100। 253100 माइनस करते हैं 600, माइनस करते हैं 14800, माइनस कर रहे हैं इसके अंदर 300, और 120000, और लास्ट में माइनस करने 24750। नेट बैलेंस 92650 बच गया है, जिसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 92650। बस इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर करना था, क्वेश्चन कंप्लीट। अगला सवाल 18, ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और स्टूडेंट उसमें गलती कर देते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो गया भैया? चलो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो गेम है वो लैंग्वेज को ठीक से समझने की है, कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। हम कई बार उसकी बात के मतलब कुछ का कुछ निकाल लेते हैं, और जवाब भी कुछ का कुछ हो जाता है, और नंबर भी जो सोचे होते हैं उसके कुछ के कुछ नंबर आते हैं फिर, ठीक है, ये चेन रिएक्शन है। ये एक जगह बात बिगड़ेगी तो फिर वो बिगड़ती चली जाएगी, देखा तुमने कई बार होती है, ऐसे ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं जिनको, बहुत सारी साइकिलें खड़ी कर दो, एक साइकिल गिरेगी सबको गिरेगी, ठीक है ना, तो करीब करीब ऐसे ही होता है, तुम एक गलती करते हो उससे दूसरी तीसरी चौथी सारे अकाउंट गलत बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ही ठीक हमें समझना है लैंग्वेज क्या कहना चाहते हैं। इसमें स्टॉक अकाउंट हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक अलाउंस आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें गेम चेंजर होगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये दो अकाउंट ही मुझे मेंस है, पेटी कैश उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि हमारे ऊपर असर डालने वाली है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिल्ली हेड ऑफिस सप्लाई गुड्स टू ब्रांच एट जम्मू एट इनवाइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। ये तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू आई पी हो जाता है, और यह 50% ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे आके 150% हो जाएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/3, और हमारे काम तो ज़्यादातर 1/3 ही आएगा, 1/2 की तो जरूरत मुश्किल सी पड़ती है, ठीक है। चलो आगे ये भी लिखा है इसके अंदर, ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच इज रेमिटेड टू डेली एंड ऑल ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के पास पैसा होता है तो हेड ऑफिस को भिजवा देते हैं, और ब्रांच के खर्चे सारे हेड ऑफिस से चुकाए जाते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है जो हर क्वेश्चन में होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू जम्मू ब्रांच फॉर 2013 प्रिपेयर ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो नाम गिनाए जा रहे हैं ये वो सिस्टम है जो अभी फिलहाल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट आंसर हम इस सिस्टम से भी लेकर आ सकते हैं। हमें बैलेंस बताया गया है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बताया गया है, यहाँ लिखेंगे स्टॉक का बैलेंस बीडी जो कि है 99000,
फिर उसके बाद हमें डेटर्स का बैलेंस बता दिया गया है, जो कि बैलेंस बीडी है अगेन रुपीज 33,000। पेटी कैश को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इनडायरेक्टली गुड्स सेंड माना जाएगा क्योंकि गुड्स रिसीव होने का मतलब सेंड हुआ है और उसे यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि है 3,06,000 का, ठीक है। आगे क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसमें से 9,000 का सामान लौटा दिया गया स्टॉक को कम करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख देते हैं जी, ये रिटर्न की वजह से लिख रहे हैं, और जो कि है 36,000। और वहाँ पे भी एंट्री एसटी जाएगी, बस लोडिंग एंट्री कैंसिल करते रहेंगे, ठीक है। क्रेडिट सेल कैश सेल्स, अच्छा गुड्स रिटर्न टू, ये फिगर मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, ये फिगर सिर्फ 9,000 है। और यहाँ पे दो सेल हो गई है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल, तो बाय ब्रांच डेटर लिखेंगे जो क्रेडिट सेल हुई है, और वो है 1,30,500 जो यहाँ पे आ जाएगी। टू ब्रांच स्टॉक के नाम से सेल की एंट्री है क्रेडिट वाली 1,30,500। कैश सेल्स की एंट्री सिर्फ यहाँ पे रहेगी फिलहाल 1,59,000। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, तो बाद में रेमिटेंस बन जाएगी। फिर अगली एंट्री आ गई इसमें, अलाउंस टू कस्टमर ऑन सेलिंग प्राइस, अलाउंस इज डिस्काउंट, और बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट हमने पहले भी कई बार लिखा है, कोई खास बात नहीं, नाम बदला है, नाम बदलने से कुछ नहीं। अलाउंस इज डिस्काउंट, कहाँ पे आता है डिस्काउंट, डेटर्स अकाउंट में हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें अलाउंस। कितना अलाउंस है, रुपीज 3,000। हमारी डिफॉल्ट अजम्पशन होती है कि अलाउंस कस्टमर को दिया जाता है, और कस्टमर को दिया जाता है तो कस्टमर के अकाउंट में शो किया जाता है, क्लियर है। बट ब्रैकेट में कुछ लिखा है और वो ब्रैकेट में लिखी हुई बात इस ट्रीटमेंट को बदलने वाली है। उसमें लिखा है एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग, ये बात ना लिखी होती तो मैंने जो लिखा है वो सही होता, लेकिन अब उसने लिख दिया एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग। क्या मतलब हुआ एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग का, इनवाइस बनाने का मतलब बिल बना रहे थे। ये जो अलाउंस है ये आपने देखो कहाँ से दिया, आपने ग्राहक के खाते में पहले बैलेंस डाल दिया, और फिर जब वो पैसे देने आया तो उसने कहा जी थोड़ा सा तो कुछ करो कम, तो हमने उसको पेमेंट के वक्त क्या दे दिया, डिस्काउंट, जो कि रियलिटी में कैश डिस्काउंट कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। हम कस्टमर से पूरे पैसे मांगते हैं लेकिन बाद में कस्टमर जो है वो कहते हैं जी थोड़े पैसे कम ले लो, हम उसके अंदर सेटलमेंट कर लेते, तो बन जाता है हमारा डिस्काउंट, तो कस्टमर को दिया जाता है। बट यहाँ पे तो उसने लिखा है एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग, मतलब बिल बना रहे थे तभी वो डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने ग्राहक के यहाँ पे जो अमाउंट लिखने है उससे पहले ही डिस्काउंट दे दिया था। एक है ग्राहक के अकाउंट में पैसे चले गए फिर डिस्काउंट दिया, ये हमारा नॉर्मल ट्रीट है, पहले ग्राहक के खाते में लिखेंगे फिर अगर डिस्काउंट देना होगा तो डिस्काउंट दे देंगे। इस बार उसने क्या बोला एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग, मतलब यहाँ पे वो डिस्काउंट आया नहीं, डिस्काउंट कट के बैलेंस यहाँ पे आया, तो इसका मतलब वो डिस्काउंट कहां से आया, यहां से बैलेंस ऑलरेडी कट चुका है 3,000 पे, तो वो डिस्काउंट अलाउंस वाला तुम्हें यहां पे नहीं बल्कि कहां पे लिखना पड़ेगा, अब ऊपर एडजस्ट करना है। जब तुमने इनवॉइस के अंदर से डिस्काउंट दिया तो इनवॉइस यहां पे बन रहा था, यहां पर जो सामान था उसमें से डिस्काउंट दिया, यहां पे लिखेंगे बाय अलाउंस, ये ट्रीटमेंट फर्क हो गया। बात समझ में आई, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं मैं यहां पर मान के चलता हूं कि स्टॉक अकाउंट है और एक ही प्रोडक्ट मान लेता हूं मैं, जो 100 रुपए का आता है, कॉस्ट इसकी कितनी है 100 और बेचते कितने में है, हम तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो आईपी भी बनाएंगे। मैं कहता हूं एक यूनिट हमारे पास बैलेंस बीडी की है, सिर्फ एक यूनिट, तो कितने की पड़ी होगी 150 रुपए की, हेड ऑफिस ने भेज दी मेरे पास एक यूनिट और, गुड सेंट भी हो गया, कितने का एक यूनिट, तो कितने की 150, क्लियर है। एक की बात करते हैं, एक से समझा जाएगा। अब ग्राहक आता है तो मैं बेच देता हूँ, कितने की बेचूंगा 150 की, पहले से ये इनवाइस प्राइस पे पड़ी हुई है, तो जब सेल होगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी डेटर के अकाउंट में भेज दो 150 रुपए, और डेटर के अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा 150 रुपए, ठीक है जी। वहां से सामान बिका, यहाँ पे आ गया 150 रुपए, और मेरे पास एक पीस बचा होगा जो कि बैलेंस सीडी होगा जो कि 150 रुपए। देखो मेरा अकाउंट बिल्कुल मजे में टैली हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये आया बाद में, कहा जी हमें तो डिस्काउंट दे दो, हमने कहा यार डिस्काउंट नहीं, लेकिन फिर जब उसने बहुत बात की तो हमने कहा ग्राहक टूट ना जाए चल तुझे 10 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। अब उसने मेरे को कैश दे दिया, कैश दिया कितना 140, तो मैं उसे डिस्काउंट तो दूंगा, डिस्काउंट तो मैंने यहाँ पे दिया, तो टैली हो गया, देखो मामला एकदम सेट हो गया, 150 रुपए की बात थी, अभी भी हमने कमाए हैं, डिस्काउंट दे के भी कमाए, कितने पैसे कमाए हैं
तीस रुपये, पहले 50 रुपये कमा रहे थे, अब 40 कमा लिए, क्योंकि 140 तो वसूली है, फिर भी हमने डिस्काउंट देखे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो क्वेश्चन में लैंग्वेज थी उसको यूज करते हैं, एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग। उसने बिल बना रहे थे 150 का, वहीं पे हाथ रोक लिया, पकड़ लिया, नहीं भाई नहीं, ये नहीं चलेगी, 150 नहीं 140। और जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो हमने इनवाइस बनाते वक्त क्या लिखा, 140। तो यहां पे डेटर के अकाउंट में कितना लिखा, यहां पर ही 140 आया है। डिस्काउंट यहां नहीं बल्कि डिस्काउंट यहां दिया गया है। अब ऊपर वाला अकाउंट टैली हो रहा है, अब ऊपर वाला अकाउंट टैली हो रहा है, नीचे आया ही 140 है, एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग। समझ में आ गया डिफरेंस। हम यहां नहीं डालना चाहते थे डिस्काउंट, हम चाह रहे थे कि डिस्काउंट यहां पे डाले, बात बिगड़ जाएगी, अरे मार्केट में बिल जाएगा, क्या कहेंगे लोग, हमें 150 का बेचते तुझे 140 का, अगर देना भी डिस्काउंट तो फिर डेटर अकाउंट में जाने दे, फिर डिस्काउंट दे देंगे, बिल पे 150 ही लिखेंगे, यहां पे बिल ही चेंज कर दे तुमने। आगे होंगे नेताजी की सिफारिश का फोन आ गया होगा, ये बिल नहीं बनना चाहिए तो वही हम भी नहीं बनाएंगे, इनवाइस के अंदर ही चेंज कर दिया, और फिर अलाउंस नीचे से वहां चला गया। कारण समझ में आ गया। तो नॉर्मली ऐसा हम करते नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा हूं, नॉर्मली ये ट्रीटमेंट हम फॉलो नहीं करते। नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि डिस्काउंट कस्टमर के अकाउंट, डेटर के अकाउंट से दिया जाएगा, बट अगर वो फोर्स करे तो हम उसकी बात को अनदेखा तो नहीं कर सकते, वो बिग बॉस है, उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना घर से बेदखल कर दिए जाओगे तुम, ठीक है ना। तो वो बात हम नहीं काट सकते। आपने बोला एडजस्टेड वाइल इनवाइसिंग, वही एडजस्ट कर दिया। आपने नहीं ऐसा कुछ बोला होता तो उनकी मर्जी से चला रहे थे, वही मर्जी हम चलाते रहते और नीचे से एडजस्ट करते, ठीक है। समझ आ रही है, मैं इतना ध्यान से रिले कर रहा हूं कि आप इसको बस कंसेप्ट को पकड़ लें, और क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन हजार हो जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस का, इस लैंग्वेज का ये मतलब है। अब जितनी बार ये एडजस्टमेंट जाएगी उतनी बार एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर सकेंगे। अब इस क्वेश्चन में खास बात नहीं है, आगे इसके अंदर डिस्काउंट फिर से आ गया, देखो डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, वो तो यहीं पे आएगा, डेटर के अकाउंट में आएगा, वो तो आपने बोल दिया था, वो तो हम तो वहां पे भी नहीं डालने वाले थे, वो तो जबरदस्ती डलवाया, अब हम डिस्काउंट को डेटर के अकाउंट में ही डालेंगे, ठीक है। और बैलेंस सीडी और कैश उसमें अब कोई टेंशन नहीं, आगे मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं, मैंने जो इतना बताना था वो बस इतना बताया, अलाउंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो नीचे डालने वाले थे वो ऊपर चला गया, ठीक है।